चोरी चंदेरा चाहते न शर्मा अपना बाबू से बीता न शर्मा आखियो मैं देख अरे मारे देख अरे रवे रात चोरी चंदेरा चंदेरा कनली बुझे ना बोट पत्थर कनली बुझे जा चला हेलो दोस्तों, मैं अपने मम्मू घर जा रही हूँ। और आपके साथ कौन कौन जा रहे हैं? दादा और मम्मी और बुल्ली। दिया। आप भी बोलो हेलो बोलो हेलो बोलो हेलो दोस्तों सेफ ड्राइव और चीज बैन बांधा सीट बेल्ट तो बांधो चलो पिपी हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो आज मैं आ रखी हूँ जामनी यानी अपनी मायके। तो मेरे साथ आ रखी है दीपू दृष्टि। और तो करते हैं नए दिन की शुरुआत नए वीडियो के साथ। और अभी धूप आ रखी है और इस साइड नहीं आई है धूप, क्योंकि मैं छन्नियों में हूँ अभी। तो अभी मैं जा रही हूँ घर, तो चलते हैं फिर। हेलो, तो पहुँच चुके हैं हम जामरी के पंदिरे में। ये देखो मेरी मम्मी की भैंस, पहली मुलाकात हो रही है मेरी भैंस के साथ। ये हमने नया भैंस ले लिया था ना मेरी मम्मी ने। मरी तो ना, चलो। तो मैं आ रही हूँ पानी खिलाने के लिए। तो इस साइड एकदम फिसलन हो, इस साइड फिसलन ही फिसलन हो रखी है, क्योंकि इस साइड धूप बहुत कम आती है और बहुत ज़्यादा पाला पड़ रखा है। और धूप नहीं आएगी तो ये पाला कैसे सूखेगा, तो इसी वजह से बहुत फिसलन हो चुकी है। और ये देखो मेरे आँख में कुछ हो रखा है, तो दो तीन दिन हो गए लेकिन ठीक नहीं हुआ अभी तक। तो ये है हमारा पंदेरा और हमारी भैंस पी रही है पानी, लेकिन ये बछड़ा भाग रहा है। और अगर ये भागेगी तो भैंस भी भाग जाएगा, तो इसे रोकना पड़ रहा है। चल रहे ऊँचा दूध दूध न पे यहाँ मेरा पानी पी लीजिए। तो ये हमारी भैंस, तो थोड़ा मैं भैंस को नहला लेती हूँ। ऐसे ठंड तो हो रखी है लेकिन भैंस को नहलाना ज़रूरी है, तो इसीलिए मैं इसे नहलाती हूँ। अब जमुना की बुढ़ की चबोड़ लीड लगाई छे कंदड़ू माँ। छनियों की गलिया बॉडी के साथ टिप टॉप बॉडी टिक टॉक बनाने में सकत कम मिल दी थे 1,00,000 रुपया। बढ़िया है वो भैया, मजाक बढ़िया है। के गांव की होली या बांध हमारे बैल। तो अब मैं इनको लेके जा रही हूँ पंदेरे में, और अपने गांव की गलियां जो भी हो सब अच्छी लगती है। इस साइड छन्नी है और घर दूसरी साइड है, तो अभी मैं छन्नियों में आ रखी हूँ। तो ये आ चुकी है हमारी सुपुत्री, और उनके साथ है मेरी मम्मी और बैल, उनको शॉल लगाने के लिए जा रहा है। तो दीपू कैसे लग रहा है आपको अपने नानी के साथ? अच्छा बोल। घुमा। तो अब मैं बैल बांधने के लिए जा रही हूँ, और ये है बॉडी और ये है चाचा। जब टाइम मिला तब बन गया। और ये है हमारी भाभी, हाय भी आ गई मेरे साथ, है ना? पीछे पीछे आ रही है। कौन आ रहा है पीछे पीछे? देहला। ये कौन है? ढांगा। ढांगा, चलो फिर। ढांगा रे ढांगा,
चला कहा कहा का तो बड़ा जी कुछ ना क्या करना भूलगा जा तो ते मामी का हम ध्यान से मैं बोलकर बोलिए तो पिल्ला के हाथ पे तो अभी भी दर्द हो रहा है ना। किसने मारा पिल्ला को? पिल्ला के हाथ पे दर्द हो रहा है। किसने मारा पिल्ला को? डॉग। डॉग डॉग बिल्ली ने क्या काम पे मां क्या पे सो गया मैं मां ये हम तोड़ रहे हैं हरे हरे टमाटर और मम्मी कर रही है भैंस के लिए घास काट रही है। तो अभी शाम के 4 बज रहे हैं और हम आ रखे हैं पंदेरे में क्योंकि दीपू बोल रही थी कि मेरे को घुमाने के लिए ले चलो तो बस मैं उन्हें को लेके यहाँ आई हूँ। तो ये तो ऐसे भाग रहे हैं कि बस इधर से उधर और सामने इतनी सारी कंडली रखी है ये भैंसों को खिलाने के लिए तो इन पर लग जाएगा ना सारे के सारे यहाँ घूम रहे हैं ऐसे भागम भागी कर रहे हैं। देखो इतनी शरारतें करती है ना ये लड़कियाँ ऐसे भाग रहे हैं इधर से उधर। हेलो बोला आ जाओ क्या खेल रहे हो दीपू गिर जाओगे हाँ मत खेलो ओ तेरी बोल कौन छोड़ बोल अब बोल। हेलो दादा हम मंदिर में आ चुके हैं। कौन कौन आया है? मैं और दीदी और ये वाली दीदी और ये बुल्ला और ये वाली दीदी और ये वाली दीदी। अच्छा आपको यहाँ आके कैसे लग रहा है? अच्छा लग रहा है। आप क्या कर रहे थे अभी तक? पूजा कर रहे थे। हाँ। अच्छा और खेली कौन कर रहा था? तो दोस्तों आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और आप लोगों को वीडियो चली गई तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना तो जल्दी अगले ब्लॉग मिलेंगे तो।